अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? और ठीक ठाक होंगे जी? और शॉपिंग ईद की स्टार्ट हो गई होगी माशाल्लाह से। हमारी ज़बरदस्त सी वीडियो है आज। अच्छा, इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। लॉन भी है इसमें, नेट भी है, इसके अलावा प्योर चाइना क्रिंकल शिफॉन भी है। आपने फुल वीडियो ज़रूर देखनी है अंत तक, ताकि आप सारी वरायटी देख सकें और चूज़ कर सकें अपना ईद का ड्रेस। अच्छा, ये आपको दिखा रही हूँ प्योर चाइना क्रिंकल शिफॉन। ये है इसके स्लीव, फुल हैवी गोटा जाल, गोटा पत्ती, सितारा और साथ में रेशम का काम। ठीक है, ये आ गई इसकी स्लीव्स, और ये आ गई इसकी शर्ट। ठीक है, ये आ गया शर्ट का दामन। दामन पर आएगा खूबसूरत सा इसका बंच, फुल जाल है गोटे का। ये है जी इसका गला, और ये है इसकी बैक साइड। बैक पर बूटी है, रेशम थ्रेड, सिल्की जो थ्रेड होता है वो, और ये आ गई इसका दूसरा पास। ठीक है, इस तरह से फुल शर्ट की लुक ये है। ठीक है, ये आ गई इसकी नेकलाइन। नेकलाइन जो है बड़ी प्यारी इसकी सेट की हुई है मिरर्स के साथ इस तरह से। ठीक है, टाइपल है, आप अपनी मर्जी से अच्छा सा कलर टाई करा सकते हैं। तो ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टा इसका जी, बॉर्डर आपको दिखाती हूँ। ये देखें साइड पर, ये सारा खूबसूरत सा इसका जो मोटिव है शर्ट के फ्रंट पर वो यहाँ पर, फोर साइडेड फुल जाल। ये देखें जी, एक बॉर्डर आ गया ये, एक आ गया ये, इस तरह से। ठीक है, फुल दुपट्टा ऐसे बना हुआ है। ये आ गया बॉर्डर, और ये आ गया मिरर्स के साथ, साथ में गोटा भी है। ये है इसका दुपट्टा ऐसे। ठीक है, ये है जी चिकनकारी का, बड़ा ही खूबसूरत पिंक कलर है ये वाला पिंक कलर। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा लाइट पिंक कलर है, और साथ में चिकनकारी के इसके ऊपर जो है काम है। ये देखिए इस तरह, ये है इसका दुपट्टा। ठीक है, इसका दुपट्टा आपको खोल के दिखाते हैं सारा। ये देखें, डबल इसके ऊपर डबल ट्रिपल जो है बॉर्डर आ रहा है इस तरह से, और ये पिंक कलर है, खूबसूरत सा लाइट पिंक शेड जो होता है ना, ये वो है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने पेंट रखा है ताकि कलर जो है ना वो सही आ जाए इसका। ये आएगा जी बीच में सारा काम, एंकर का धागा लगा हुआ है, खाली धागा ही 5-6 हज़ार का इस पर लग जाता है चिकनकारी के साथ। ये देखें, ये इस तरह का फोर साइडेड बॉर्डर, और उसके अलावा जी क्रीप क्रीप सारे इसमें मोटिव डाले हुए। ये देखें ये वाला, ये है जी बहुत ही प्यारा सा कलर है, बिल्कुल बुटीक स्टाइल इसकी डिजाइनिंग है। ये भी प्योर चाइना क्रिंकल शिफोन पर है। ये आ गई जी इसकी स्लीव्स, यहाँ पर आएगा जी बॉर्डर, आप देखें माशाल्लाह इसके बाजुओं पर ये आ गया बॉर्डर इसका इस तरह से, और ये है जी इसकी शर्ट का फ्रंट। ये देखें, ठीक है, ऊपर भी जाल है सारा, यहाँ पर हैवी बॉर्डर की सेटिंग है, और ये सारा हैंड वर्क है, न्यूटल वर्क है, सुई के साथ सारा काम किया हुआ है, चिकनकारी शेडो। ये आ गया बैक का हैवी बॉर्डर। ठीक है, यहाँ से सेम वही जैसे बॉर्डर है वैसे स्लीव्स। ठीक, कलर मैंने आपको बता दिया, बहुत ही प्यारा पिंक है। यहाँ से अब आप देखें जी इसकी एम्ब्रॉयडरी, ये इसमें जो मोटिव है और उनकी सेटिंग आप देखें किस तरह से आ रही है। ये आ गया फुल काम, ये इस तरह से, ये देखें कैरी के साथ माशाल्लाह बना हुआ है, बॉर्डर भी कैरी के साथ है। ये है जी बहुत ही प्यारा सिंक कलर है, और गोल्डन गोटा और साथ में जी सितारा लगा हुआ है। इस पर स्लीव्स होंगी इसकी सेपरेट इस तरह से। ये देखें, ये आके जी इसके बाजू, ये आके स्लीव्स इसकी। अच्छा, कलर ये बहुत प्यारा है, सिंक कलर है इस तरह से। ठीक है, ये वाला कलर है। ठीक, ये आगे इसके स्लीव, ये है जी इसकी शर्ट, इसकी नेकलाइन है गोटा और सितारा, साथ में है जी दामन। लेंथ इसकी बहुत अच्छी है, 50 है इसकी लेंथ, 50 से करीब करीब है, 50 से ज़्यादा ही है। ये आ गया जी इसका दामन इस तरह से, और ये है जी इसका गला, खूबसूरत सी नेकलाइन है इसकी। ये देखिए गोल्डन के साथ में बहुत प्यारा लग रहा है, बैक का बॉर्डर भी है। ये देखिए ये फूल देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये सारी हैंडमेड गोटा पत्ती है, हाथ से गोटा बना के जो लगाया हुआ है। ये आ गई इसकी नेक लाइन। ठीक है, दुपट्टा है जी फोर साइडेड सेम इसी काम में, इसके ऊपर धागे का अलग से कोई काम नहीं है, सितारा और गोटा सारा सेट किया हुआ है इस तरह से। ये देखिए आप, फोर साइडेड ये बॉर्डर आ रहा है इसका, ये देखिए। ठीक है, गोल्डन जो होती है ना गोटे वाली
गोल्ड वाली, गोल्डन ये वो लगी हुई है शाइनिंग वाली गोटा पत्ती है इस तरह से। ये सारा आ गया इसका फोर साइडेड दुपट्टा। ठीक, अच्छा ये है जी बहुत ही खूबसूरत चिकनकारी का। ये देखें इसका दुपट्टा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। यहाँ से अब आप ऑल ओवर लुक देखें दुपट्टे की, और ये रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी के साथ है। आप चाहें तो इसको आप कलर चेंज करा सकते हैं, लेकिन इसका बेस कलर जो है ना स्किन कलर है। स्किन और रेड का कॉम्बिनेशन आपको पता है बहुत अच्छा होता है। ये वो आप बॉर्डर चेक करें, एंकर का धागा साथ में लगा हुआ है इस तरह से। ये देखें ये सारा इसका आ गया बॉर्डर, बीच में आएंगे जी बंच। ठीक है, ये देखिए ये है जी इसकी शर्ट। ये इसकी शर्ट का फ्रंट है, ये है जी कैरियों और गोल जो फूल शेडो का होता है उसके साथ इसका डिजाइनिंग बनाई हुई है। ये फुल हैवी फ्रंट, यहाँ पर आएगा दामन। आपको फैब्रिक सिर्फ वहां पर नजर आएगा जहां पर फूल कंप्लीट हो रहा है, उसके अलावा फुल जाल वाला काम है भरा हुआ खूबसूरत सा। यहाँ से आएंगी जी स्लीव, स्लीव का काम भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। ये देखें बैक है जी इसकी जबरदस्त, ये देखें माशाल्लाह हैवी बैक के साथ है। बैक पे बिले भी हैं, बंचित भी है। यहाँ से आएगा इसका दूसरा पास। ठीक है, बिल्कुल लखनवी चिकनकारी वाला स्टाइल है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ। मजे के बाद इसमें जो है आपको ये देखें जाली भी मिलेगी, तो इसमें जो है ना तारकशी बनाई जाती है कैरी में। ये है जी इसका फुल शर्ट का काम। अच्छा ये है जी बड़ा जबरदस्त ब्लू कलर है और गोटे का काम है, इस पर भी सारा बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है। अच्छा नेट बता देती हूँ, ब्रांडेड सॉफ्ट नेट है। ये देखें जी ये नेट है बिल्कुल सॉफ्ट हाथ में आ जाने वाली। ये है इसकी स्लीव, ये देखें ये गोटा पत्ती पट्टी जो है ये लेकर नहीं लगाई हुई, ये हाथ से सुई के साथ बनाई हुई है। ठीक है, बनाकर सारा कुछ फिर लगाया हुआ है, हैंड वर्क है। ये आ गई इसकी स्लीव्स। ठीक है, ये आ गया जी इसका बैक का बॉर्डर इस तरह से, बीच में है जी गोटे की पत्ती। ये आ गया इसका फ्रंट बॉर्डर, ये आ गई इसकी नेकलाइन। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये इसकी नेकलाइन है, बहुत जबरदस्त नेट है। और ये पांचवा छठा सूट है माशाल्लाह, पहले भी इसके साथ के आए हैं और कलर में थे, ये ब्लू कलर के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है गोटे का काम। ये देखें ये है जी इसका दुपट्टा, फोर साइडेड इस तरह से काम आएगा हैंडमेड गोटे का। ये बीच में आ गई बूटी। ठीक है, ये देखें। अच्छा यहाँ से आपको दिखा रही हूँ कुछ लॉन के सूट हैं, और ये है जी बहुत ही जबरदस्त बलोची और सिंधी जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल सूट होते हैं ना, जोड़े जो वाकई पता चलता है कि पाकिस्तान से बने हुए हैं या पाकिस्तान का खूबसूरत से जो गांव में लेडीज होती हैं, लेबर होती हैं, बनाती हैं, वो काम है ये। ठीक है, ये पहले आपको दिखा रही हूँ, बड़ा प्यारा सा मस्टर्ड कलर है। ये देखिए ये मस्टर्ड कलर है खूबसूरत सा खिलता हुआ, और उसके ऊपर है जी सारा सिंधी एम्ब्रॉयडरी का काम। ये आ गया ट्राउजर, ये फुल हैवी बड़ा पांचा है। ये देखें ये आ गया ट्राउजर, बीच में शीशा भी लगा हुआ है इस तरह से। इसकी शर्ट बहुत जबरदस्त बनी हुई है, फुल खोल कर दिखाऊंगी आपको। लॉन इनकी जो है वो बहुत अच्छी ब्रांडेड लॉन है, और उसी के ऊपर सारा काम कराया है, एंकर के धागे के साथ कराया, क्योंकि लास्ट टाइम ईद पर मैंने कपड़े बनवाए थे तो वो धागे की वजह से ना सही नहीं रहे थे, स्टेपल का धागा था, तो ये मल्टी कलर के होते हैं, रंग छोड़ देते हैं। आपने और जगह से भी लिए होंगे, धागे की वजह से परेशानी होती है, इसलिए हमने कहा कॉस्टली है कोई बात नहीं लेकिन कस्टमर को परेशानी ना हो, इसीलिए वही धागा लगाया है जो बहुत अच्छा चले। अच्छा ये है जी इसके स्लीव्स, ये बॉर्डर आएगा वो शोल्डर पर आएगा बंच। ये देखें और काम आप देखें, एक एक टांका जो है ना बहुत नीट बना हुआ है। ठीक है, देखें इस तरह से ये हमारी लेबर होती हैं, लेडीज जो गांव में रहती हैं विलेज वाली साइड पे जो बनाती हैं दिन रात मेहनत करके, उनको हम ज्यादा से ज्यादा काम भी देते हैं ताकि उनका घर भी चलता रहे, तो उस हिसाब से आप देखें कि वो बनाती हैं बुटीक का, तो वो कितना उन्होंने नीट करके एक एक टांका जोड़ जोड़ के उनकी मेहनत से बना हुआ है। अच्छा ये है इसकी बैक, बैक आप देखिए माशाल्लाह गोल नेकलाइन है और ये वी शेप में इसका मोटिफ का स्टाइल है। ये है बैक इसकी, ये इस तरह से ये आएगी बैक। ठीक, और फ्रंट है जी जबरदस्त,
ये देखें, ये टू पीस है, शर्ट और ट्राउजर दोनों जो है ना एम्ब्रॉयडर्ड है। ये आ गया इसका, ये है कला इसका कुर्ता स्टाइल में। इसको आप कुर्ता सिलवाएं क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता है, यहाँ पर डोरी या बटन कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये आ गया इसका गला, ठीक है, ये फुल ऐसे इसकी लुक बनेगी। ये है जी बेबी पिंक, खूबसूरत सा बेबी पिंक शेड है इसका इस तरह से। और ये भी, ये गुला सिटा काम है, ये भी बलोची काम है और बहुत अच्छा बना हुआ है ये भी। ये देखें इस तरह से, आप इसका चाहे गरारा बनाएं, चाहे फ्लैपर बनाएं, ट्राउजर बनाएं, इतना माशाल्लाह हमने काम किया है कि ये शलवार का सिंपल नॉर्मल पांचे पे नहीं होता। ये है जी इसका फुल एक पांचा, ये है इसका दूसरा पांचा। और फैब्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि ब्रांडेड फैब्रिक है। दूसरी बात ये है कि 5.5 मीटर का कपड़ा है, ठीक। ये देखें कपड़ा भी अच्छा है और खुला भी है। ये है इसकी शर्ट, शर्ट इसकी बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये पैटर्न हमारा काफ़ी फेमस है जो कि आता है प्योर शिफॉन पर, लेकिन अब मैंने सोचा कि लॉन पर बनवाऊँ ताकि ईद पर पहना हुआ ना ज़बरदस्त लगे। ये है इसका फुल काम, ये नेकलाइन है इसकी खूबसूरत, इसमें भी सारा ट्रेडिशनल हैंडमेड काम है मिरर के साथ। ये फुल इसकी लुक आएगी जी इस तरह से, सेंटर में है मोटिव और ये भी एंकर का धागा लगा हुआ है, ठीक है। ये है जी इसके स्लीव्स, ये आगे इसके बाजू का काम, ये आगे इसकी बूटी शीशा, सारा बाजू पर हैवी वर्क है, ये देखें, ठीक है। कलर मैंने आपको बता दिया है कौन सा है। अच्छा ये बैक आपको दिखा देती हूँ, इसकी बैक पर इसके सारे मोटिव हैं मल्टी कलर के करीब करीब। इसके आप बेफिक्र हो कि इसको चाहे वॉश करें, चाहे जितना अच्छा चलाएं, ये ना फैब्रिक खराब होगा ना इसका थ्रेड खराब होगा, ठीक है। ये देखें ये आ गया फुल इसका काम। अच्छा ये है जी वाइट, और ये बहुत बहुत जो है ना पसंद किया गया था तो मैंने रिपीट आइटम में बनवाया है। इसमें आपको ये टू पीस है, ये मैं आपको फ़र्क भी दिखाती हूँ। मेरे पास एक ब्लैक सूट है जिसपे ये धागा लगा हुआ है इसका स्टेपल का, ठीक है, जो हमारा हर किसी के पास होता है जो सूटों पे लगा होता है, लेकिन हमने लगवाया एंकर का। लास्ट ईयर मैंने स्टेपल लगवाया था, अब मैंने एंकर लगवाया है। पहले आप इसका ट्राउज़र देखें, ये सारा खूबसूरत सा इसका हैवी ट्राउज़र का आ गया जी, पट्टी का काम, ठीक है, एक पांचा। ये आ गया इसका दूसरा पांचा, ठीक। ये ये आ गया ट्राउजर, और बहुत फाइन क्वालिटी है फैब्रिक की। ये देखें आप फैब्रिक की क्वालिटी आप चेक करें कि कितनी फाइन है, और काम देखें ना कहीं से धागा निकला हुआ है और ना कहीं से एम्ब्रॉयडरी खराब है, इस तरह का काम है। ये है जी मेरे पास एक सूट सेम इसी पैटर्न में, जिसका है ये धागा लगा हुआ है स्टेपल। अब आप खुद देख लें इसमें और उसमें कितना फर्क है। तो कस्टमर कहते हैं ना कि ये जो है इस तरह का है या वैसा है, प्राइस का भी इशू बनाते हैं, तो मैं इसीलिए ये वीडियो में दिखा रही हूँ ताकि उनको डिफरेंस पता चले कि कौन सा। और एंकर का धागा पाकिस्तान में नहीं बनता, जर्मनी से बनकर आता है, ये भी आपको मैं चीज बता दूँ। ये देखें ये इसके धागे का आप हाल देखें, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने सेल ही नहीं किया इसलिए क्योंकि जब वो धागा ही ठीक नहीं था तो फिर क्या ज़रूरत है। ये देखें ये आप देखें इसको, ठीक है, और ये वाला आप चेक करें जो हमारा एंकर के साथ बना हुआ है, इसका काम देखिएगा। ये देखें माशाल्लाह फुल फ्रंट है इसका और सारा खूबसूरत बना हुआ है। ये और ये आएंगे जी दोनों जो है ना, ये पट्टियां आएंगी आपके चाको पर फ्रंट पर, ये फ्रंट की नेकलाइन और बॉर्डर, ठीक है। ये आगे जी बैक, ये बैक का बॉर्डर इस तरह से, ये आगे बैक, सारा बैक का गला और लाइंस, ठीक है, तरीजें, ये कुर्ते हैं, कुर्तों की तरह आपने इनको बनवाना है। ये आ गया बैक का, ठीक है, तरीजें भी आ गई, नेकलाइन भी आ गई और साथ में मोटिव भी आ गया। ये आ गया इसका फ्रंट इस तरह से, ये आ गई फ्रंट की नेकलाइन और तरीजें आ गई। ये पट्टियां ये वाली आएंगी चाको पर, फ्रंट के भी और बैक के भी, ठीक है, सारी डिटेल के साथ मैंने आपको दिखा दी। अभी एक सूट है इसके साथ के, और भी काफी सारे सूट हैं, वाइट में ही 4-5 सूट और भी हैं, बनकर आ जाएंगे 2 दिन में। अच्छा ये आपको दिखा रही हूँ चिकनकारी का, ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है इसके साथ, ये है जी ऑर्गेन्जा के दुपट्टे के साथ है, बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर काम किया हुआ है। ये देखें इसका काम,
ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। एक एक टांका जो है ना ये लगाया हुआ है, सारा चिकनकारी का काम है। व्हाइट पर स्किन कलर है, आप चाहें तो दुपट्टा टाई भी करा लें, प्योर ऑर्गेन्जा है। ठीक है, ये देखें इस तरह से बोरिंग चिकनकारी का ये सूट है, ये दुपट्टा आ गया, ये इसका है जी 2 पीस। कलर बहुत प्यारा है, स्किन कलर आपने पहने होंगे लेकिन ये कलर बहुत जबरदस्त कलर है। ठीक है, ये साथ में पेट रख रही हूँ मैं कि आपको पता चले शेड कैसा है। ये है जी इसका ट्राउजर, ये देखें ये इसके ट्राउजर का काम है, सारा ब्रीजे वाले होल्स बने हुए हैं इसमें, बहुत ही जबरदस्त काम है। ये आ गया ट्राउजर का एक पांचा, ये आ गया इसका दूसरा पांचा। ठीक है, ये देखें शर्ट है जी इसकी नेक लाइन के साथ, ये है जी इसके बाजू, यहाँ से आएंगे इसके स्लीव इस तरह से, ये देखें ये आ गए इसके स्लीव। ठीक है, स्लीव्स आ गए, बैक का बॉर्डर आ गया, ये बॉर्डर है जी इसका बैक का इस ये वाला। ठीक है, साथ में आएंगे मोटिव इसमें और ये आ गया इसका फ्रंट, इसकी नेक लाइन बनी हुई है खूबसूरत सी चिकनकारी के साथ, बहुत ही बारीक काम है। ये देखें बनाने वाले की कमाल है, माशाल्लाह बहुत बारीक काम है और सेम ही कलर का धागा लगा हुआ है। ये है जी बेबी पिंक, ये वाला शेड है। ठीक है, इसके ऊपर ये होता है बहुत ही प्यारा सा छड़ियों वाला पैटर्न होता है, सुई के ऊपर धागे को ना उसको वट देकर फिर बनाया जाता है, बहुत ही मुश्किल और खूबसूरत बड़ा लगता है पहना हुआ। ये है जी, ये भी रिपीट आइटम का है। इसका है जी ये पांचा शलवार के ऊपर बूटी, यहाँ पर आ गया बॉर्डर, एक ये देखिए। ठीक है, इसका आप देखें माशाल्लाह ये किस तरह का बना हुआ है, ये भी एंकर के साथ है, आप इसकी बनावट चेक करें कैसा है, ये देखें। ठीक है, ये है जी इसकी शर्ट, शर्ट का फ्रंट है, शर्ट के फ्रंट पर डबल बॉर्डर, ऊपर फुल हैवी बूटी, बैक पर भी इसी तरह से। ये आ गई स्लीव्स, इसकी स्लीव्स आ गई, ये आ गया बैक का बॉर्डर और फुल हैवी बूटी है फ्रंट बैक पर स्लीव्स पर, ये है जी इसका फुल। ठीक है, अच्छा ये लास्ट में आपको दिखा रही हूँ, ये है लॉन के ऊपर और ये रेड कलर है खूबसूरत सा, इसका भी ट्राउजर पर काम है, 2 पीस हैं लेकिन ट्राउजर और शर्ट स्लीव फुल एम्ब्रॉयडेड है। ये आ गया इसका काम, ट्राउजर पर है तारकशी और क्रॉस स्टिच की बूटी, ये देखें इस तरह से। ठीक, ये आ गई जी इसके बाजू स्लीव्स, इसकी बड़े अच्छे डिजाइन में बनी हुई है इस तरह से, ये ऐसे बन। ठीक है, ये पट्टी आपकी जो है शोल्डर से लेकर कलाई तक आ जाएगी। ये आ गई स्लीव, ये आ गया जी इसका फुल फ्रंट। ठीक है, इसका गला बना हुआ है, वहां से गला बनेगा, बीच में 3 पट्टियां आ रही हैं तारकशी की और क्रॉस स्टिच से। तारकशी आप नोट करें जी, बहुत ही प्यारा पैटर्न है और बिल्कुल न्यू पैटर्न है तारकशी का, जो इस साल का नया पैटर्न मैंने इस पर वो बनवाया। देखिए ये आ गया फ्रंट, खूबसूरत सा काम है, ये बच्चियां भी पहन सकती हैं, बड़ा लाइट सा और प्यारा सा काम है। ये आ गई इसकी बैक। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है, प्राइजेस के लिए व्हाट्सअप कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।